हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोर रिलेशन इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में बात करेंगे कि सीईटी का जो फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है वो कब है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा है कमेंट आ रहे हैं कि लास्ट डेट कब है सीईटी का फॉर्म सबमिशन का। तो आज जैसे कि मैंने बात किया डीएससीयू के ऑफिशियल वेबसाइट कॉल करके ऑफिशियल नंबर पर, तो उनका कहना है कि जो सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक है सीईटी 2020-22 है, अभी तक ऑफिशियली उन्होंने लास्ट डेट अनाउंस नहीं किया है कि लास्ट डेट कब है। जबकि आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना जल्दीबाजी में एग्ज़ाम डेट उन्होंने अनाउंस किया है, जबकि एग्ज़ाम डेट आप लोगों ने देख ही लिया होगा एग्ज़ाम कब है, 10th and 11th जुलाई को। ओके, 10th 11th जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी कम है। तो अगर आप फॉर्म फिल का लास्ट सबमिशन डेट जैसे ही आता है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और बाकी और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं, इधर फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, तो सारा है। आप अगर चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम का उस पर भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा, prem_181292। अगर आप, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर आजकल इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आप मेरा आईडी है इस इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे भी आपको हाईलाइट में आपको दिख जाएगा। आप अगर आप फॉलो करते हैं ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा जब भी उसका अपडेट आता है, लास्ट डेट आता है। तो ओके, तो सीईटी का जो डेट है अभी आपका लास्ट डेट नहीं आया है, फिर भी आपको लास्ट डेट का जरूरी नहीं कि हमें इंतजार करना है। नॉर्मल एक प्रोसीजर है, आप जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। जिनको भी एग्ज़ाम देना है, आइदर आप दिल्ली से हैं या आउट ऑफ दिल्ली से, दिल्ली वाला जिनका दिल्ली है उनके लिए 85% सीट होता है और बाकी 15% सीट होता है आउटर के लिए। ओके, आउटर के लिए। तो और कॉलेजेस भी काफ़ी हैं, तो बहुत सारे कम होते हैं जो आउटर होते हैं, तो इसलिए जो भी लोग अदर स्टेट से भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिहार से कॉल कर रहे हैं कि उनको फॉर्म फिल करना है, यूपी से हैं जिनको सीईटी का एग्ज़ाम देना है, आइदर 10th बेस पे या 12th बेस पे, तो आप भर सकते हैं। ओके, बस कंडीशन ये है कि 12th में आपका PCM होना चाहिए, आर्ट्स से नहीं होना चाहिए। अगर साइंस से हैं तो आप 12th बेस पे भर सकते हैं, अदरवाइज वो 10th बेस पे, या अगर IT हैं तो ITI हैं तब भी आप 12th बेस पे भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट CET की तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम सबके लिए उतना ही है, तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पहले 2 साल से पढ़ रहा है, सबके लिए ये 20 दिन का ही टाइम है, तो 20 दिन में आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्रैश केस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, डेली मॉड्यूलेशन में 6 आवर का क्लास चल रहा है, अभी डेली 6 आवर का क्लास चलता है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके, और काफ़ी फीस को कम कर दिया गया है, तो आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स तो आप ज्वाइन करके और स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, बाकी जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आ जाएगा। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि केवल CET नहीं, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आगे भी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।